अनअकैडमी प्रेजेंट्स आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर CSIR यूनिट, जहां पे आपको मिलता है लाइव क्लासेस, पर्सनल कोर्स, टेस्ट सीरीज, स्टडी प्लानर एंड बाई वीकली रिव्यूज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, स्ट्रक्चर कोर्सेज, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, स्टडी बूस्टर सेशंस एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल. सो इफ यू लाइक यू कैन गो विथ अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नेक्स्ट स्टार्ट करिए अपना प्रिपरेशन. अगर आप CSIR UGC के लिए इंटरेस्टेड हैं तो कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे लाइफ साइंसेज के लिए, केमिकल साइंसेज के लिए, मैथमेटिकल साइंसेज के लिए, फिजिकल साइंसेज के लिए और जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन के लिए भी बाय टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी. बेनिफिट्स क्या आपको यहाँ पे मिलते हैं? क्रैश कोर्स, लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट, डाउट सेशंस एंड क्विजेस. और आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं. इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नेक्स्ट अनअकैडमी ला रहा है क्रैश कोर्स फॉर CSIR 2021, सब्जेक्ट केमिकल साइंसेस, जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 28 अप्रैल को, जहां पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स कुलदीप गर्ग, जाकरदीप शर्मा और सोनू डाकला ये जो क्रैश कोर्स है इसको लीड कर रहे हैं. ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं और ये डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं केमिकल साइंसेज के लिए CSIR UGC नेट में जो आते हैं, उसका पूरा प्रिपरेशन करवाएंगे इस क्रैश कोर्स में. इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एक और अच्छी चीज है आपके लिए, अगर सब चीज के लिए जा रहे हैं, एनरोलमेंट करने जा रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं अनअकैडमी के प्लस या आइकॉनिक को, तो एडिशनल बेनिफिट आपको हमारे चैनल से ये मिल रहा है कि आपके पास चांस है कि आप 10% का डिस्काउंट आपको मिल सकता है अगर आप हमारे चैनल का रेफरल कोड यूज करते हैं, विच इज BOTANY10, BOTANY10 आपको यूज करना है. जहां पे अनअकैडमी का जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाते हैं, आपसे मांगते हैं वहां पर रेफरल कोड BOTANY10 डालिए और इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन. मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह. जिम्नोस्पर्म का हमने एक पार्ट कवर कर लिया है, जहां पे हमने 12 क्वेश्चंस का आपको आंसर दिया, उसका एक्सप्लेनेशन दिया. इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 से. इन विच ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स ओनली फॉसिल्स आर प्रेजेंट. तो फर्स्टली देखिए, अभी आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, मान लीजिए ब्रायोफाइट्स का आपने पढ़ा है, तो उतना आपको वहाँ पे फॉसिल नहीं मिलता ना, तो एल्गी में आपको फॉसिल उसके बारे में बताया जाता है. एंजियोस्पर्म में चीज़ें नहीं मिलती है. जो आप फॉसिल पढ़ते हैं वो आपको मेनली टेरिडोफाइट्स में मिलता है और जिम्नोस्पर्म में मिलता है. इन्हीं में आपको मेनली फॉसिल्स पढ़ाया जाता है. तो जब इनका क्लासिफिकेशन हुआ, जैसे अगर आपने मैमल्स का क्लासिफिकेशन आपको याद हो, तो वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जो एक्सटिंक्ट ग्रुप होते हैं उनका अलग से क्लासेस वगैरह बनाए गए हैं. तो ऐसा सेम आपको पैटर्न जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलता है. यहाँ पे जो है, जो जिन लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है, जो क्लासेस यहाँ पे बनाए गए हैं, तो लिविंग कुछ कुछ एक्सटिंक्ट हैं ग्रुप, वो अलग से बने हुए हैं. कुछ कुछ पूरे एक्सटेंट वाले ग्रुप हैं और कुछ कुछ ग्रुप हैं जहाँ पे आपको फॉसिल और एक्सटेंट प्लांट दोनों मिलते हैं. तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन से ऑर्डर में जिम्नोस्पर्म पे आपको एक्सक्लूसिवली फॉसिल प्लांट्स ही मिलते हैं, जिंको एज, कोनीफरेज, साइगोडोफिलकेस या नीटेल. तो आपको अगर जिंको एज का पता हो तो जिंको वायलोबा, कॉमन सेंस की बात करें जिंको वायलोबा पता है. कोनीफरेज में बहुत सारे हैं, पाइनस वगैरह ये सब लिविंग है. नीटेल्स का अगर आपको याद हो तो नीतम जो है लिविंग है. तो फॉसिल्स प्लांट की अगर बात करें तो आप यूजली गेस कर सकते हैं कि साइगोडोफिलकेस में ही ये फॉसिल प्लांट्स प्रेजेंट होंगे और यही आपका करेक्ट आंसर भी है. चैम्बरलैन, कोल्टर और चैम्बरलैन के अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, जो इन्होंने 1910 में क्लासिफिकेशन दिया था, जहां पे इन्होंने 7 ऑर्डर्स दिए थे. कुछ ऑर्डर जो थे क्वाइट एक्सटिंक्ट कंप्लीटली और कुछ कुछ में प्रेजेंट देखे प्लांट भी है. उनमें से आपका ये साइगोडोफिलकेस पहला ही है जो कि एक्सटिंक्ट ग्रुप बनाता है. दूसरा बेनिटिटेल्स है, ये भी एक्सटिंक्ट ग्रुप बनाता है. साइकेटेल्स जो होता है मीजोजोइक से लेके और प्रेजेंट तक के इसमें प्लांट है. कॉर्डाइटेल जो होता है ये भी एक्सटिंक्ट है. जिंकोएस की बात करें तो प्रेजेंट डे में यहाँ पे प्लांट्स मौजूद हैं. कोनिफरेस में भी है और नीटेल्स में भी है, जहाँ जैसे मैंने आपको बताया. तो साइकेटोफिलकेस, बेनेटिटेल्स और कॉर्डाइटेल्स में जो आपको मिलता है, जो ये ग्रुप है, ये जो ऑर्डर्स हैं, इनमें आपको एक्सक्लूसिवली क्या होगा, एक्सटिंक्ट प्लांट ही मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आते हैं. द लार्जेस्ट स्पर्मेटोजॉइट्स आर प्रेजेंट इन. स्पर्मेटोजॉइट्स का मतलब
स्पर्म की बात हो रही है यहाँ पे, तो सबसे बड़ा जो होता है स्पर्मेटोजॉइट्स कहाँ पे मिलता है, किस ऑर्डर में पूछा है, साइकेडास, कोनिफरेस, नीटेस और जिंकोएस। तो जब आप साइकेस के बारे में पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे जो लार्जेस्ट हैं बहुत सारी चीजें हैं, ओव्यूज की बात कर लें तो साइकेडेस में, स्पर्मेटोजॉइट्स की बात कर लें तो साइकेडेस में, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें लार्जेस्ट। द मेल गैमेट ऑफ साइकस, साइकस की अगर आप बात कर लें उसका आप लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, वहां पे आपको बताया जाता है कि जो इनका मेल गैमेट होता है वो नेचर में लार्जेस्ट होता है, और यहाँ पे लिखा है मतलब मेंशन किया है बुक्स में कि ये विजिबल टू नेक डाई होते हैं, ओवल फॉर्म के होते हैं, तो विजिबल टू नेक डाई दैट मीन्स आप उसे देख सकते हैं। तो अभी तक मैंने साइकस का मेल गैमेट देखा नहीं है, अगर मुझे कभी चांस मिलता है या कहीं से मैं अगर मुझे उसका माइक्रोस्पोरोफिल मिलता है तो माइक्रोस्कोपी करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा उसका स्पर्म, ये स्पर्मेटोजॉइट्स एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि दे आर विजिबल टू नेक डाई, देन वो माइक्रोस्कोप में बहुत अच्छा दिखेंगे, पर सबसे खराब बात ये है कि काफी ज्यादा ढूंढने पे भी इधर उधर मुझे केवल इलस्ट्रेशन ही मिले, कहीं पे माइक्रोस्कोपिक इसका वो पिक्चर अच्छे से मिला नहीं है, वो भी इंडियन लोगों से। तो ठीक है, तो याद रखिएगा साइकेडेल्स ही। जिंको बायलोबा के बारे में बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 15 में, द ओनली लिविंग स्पीसीज ऑफ जिंकोएस, जिंकोएस में आप बोला था ना मोनोटिपिक जनरा है जिंको, तो जो इसमें केवल एक ही स्पीसीज है जिंको में, जिंको बायलोबा कह रहा है ये कंटिन्यूली जो है जीता हुआ आया है और अनचेंज है, जो ट्राइसिक पीरियड है तब से ये वैसे के वैसा, इसमें काफी ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, इसलिए इसको लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है। कह रहा है ये ट्राइसिक पीरियड का है, किस एरा का, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक और कार्बोनिफेरस। तो देखिए अब ये यहाँ पे क्या बताया, ट्राइसिक पीरियड है, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले यौन आता है, फिर एरा आता है, तब उसके बाद एरा में काफी सारे पीरियड्स होते हैं, जैसे पेलियोजोइक हम एरा की अगर हम बात कर लें तो आप देखेंगे कैम्ब्रियन, ऑर्डोवीशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, ये सब सारे इसके पीरियड्स हैं। ठीक, फिर अगर मीजोजोइक एरा की बात कर लें तो ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ये सब इसके पीरियड्स हैं। तो इसमें आपको कुछ गेस नहीं करना, अगर इसमें पूछा है कि जिंगो बायलोबा जो है ये अनचेंज्ड है सिंस ट्राइसिक पीरियड ऑफ, तो आपको केवल यही गेस करना था कि ये ट्राइसिक पीरियड अगर आपको पता होता कि किस एरा का है तब भी आप आराम से गेस कर लेते, क्योंकि ट्राइसिक पीरियड मैंने आपसे बोला किसमें आता है, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ये मीजोजोइक एरा में आता है, तो डायरेक्टली आप को टिक करना था मीजोजोइक, आराम से ये हो जाता। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, विच वन ऑफ द प्लांट ग्रुप डोमिनेटेड ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड, इसमें से आपको बताना है कि जुरासिक टाइम पे कौन सा प्लांट ग्रुप डोमिनेट कर रहा था, बेनेटिटेस, कोनिफरेस, नीटेस या रेनेस। तो रेनेस आपका एंजियोस्पर्म है, इसको आप बाहर कर दीजिए, जिम्नोस्पर्म वाले ग्रुप में आते हैं कोनिफरेस, नीटेस, तो आप देखेंगे इसमें से जो बेनेटिटेस है क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, और यही प्लांट जो है जुरासिक जो पीरियड था आपका मीजोजोइक वाला एरा का, उसमें ये डोमिनेटेड थे बेनेटिटेस, ठीक है, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ये हो गया इसका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का हम, इट इज जेनेटिकली एक्सेप्टेड दैट द अर्लीस्ट जिम्नोस्पर्म अरोज, कह रहा है ये अभी एक्सेप्ट हो चुका है जो अर्लीस्ट जिम्नोस्पर्म थे, ठीक है, आप प्रो जिम्नोस्पर्म बोल सकते हैं, वो किस एरा में हुए थे, एरा लिखा है क्रिटेशियस एरा, ये गलत है, ये क्वेश्चन में ही पूछा गया है, तो पहली बात तो ये क्वेश्चन अलग है, बीएचयू में क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो डेवोनियन है, कार्बोनिफेरस है, क्रिटेशियस है, ये एरा नहीं है, दीज आर पीरियड्स। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी जो सॉल्व किया था वहां भी बताया था कई सारे स्पीसीज का नाम इन्होंने गलत दिया है, और इसमें भी इन्होंने ये गलत दिया है, एरा डाल के आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, या भाई इनका मिस्टेक है, ये सारे पीरियड्स हैं, ठीक है, मीजोजोइक एरा के ये सारे पीरियड्स हैं। इसमें से पूछा है कि अर्लीस्ट जो आपके जिम्नोस्पर्म थे कहाँ पे अरोज हुए थे, तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा, कौन सा ग्रुप, जितने भी सारे ऑर्डर्स हैं वो किस पीरियड में जो है डोमिनेटेड थे, कब एक्सटेंट हुए, ये सारी चीजें। तो जो अर्लीस्ट जिम्नोस्पर्म की बात आती है तो आता है आपका डेवोनियन एरा। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम आते हैं, इन विच जियोलॉजिकल पीरियड द, देखिए यहां पर ठीक है पीरियड बोला है, द जायंट लाइकोपॉड्स, इक्विसीटम्स एंड साइकोडोफिलिकेस डोमिनेटेड ऑन द अर्थ। अब यहां पर पूछा है इक्विसीटम और या तो जो साइकोडोफिलिकेस है, ये किस जियोलॉजिकल पीरियड में ये डोमिनेट कर रहे थे अर्थ पे,
कैम्ब्रियन, क्रिटेशियस, ऑर्डोविशियन और कार्बोनिफेरस। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि जो इक्विसीटम या साइगोडोफिलिकेज थे, ये कार्बोनिफेरस जो आपका पीरियड है, कार्बोनिफेरस आप आते हैं तो ये आपको कहाँ पे मिलता है, पेलियोजोइक एरा का है, ठीक है। तो ये जो टाइम जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये आपको याद रखना है, एरा कितना है, किस किस एरा में कौन से पीरियड्स आते हैं, उसमें मेजर आपको मैंने आपसे बोला टेरिडोफाइट का जितना था वो नोट कर लीजिएगा, और जिम्नोस्पर्म का मेन जो है ग्रुप्स वो कहाँ पे कब इवॉल्व हुए, कब एक्सटेंट हुए, कब डोमिनेट कर रहे थे अर्थ पे, किस एरा के किस पीरियड में, ये सब आपको नोट कर लेना है, वो कुछ करना नहीं है आपको। जो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं ये जब भी आपसे इनकाउंटर हो ये सारे क्वेश्चन आपको वो क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 19 पे चलते हैं, आपसे पूछा है यहाँ पे बीरबल सहनी ने किसका रिकंस्ट्रक्शन किया था, विलियम सोनिया स्कॉटाई, विलियम सोनिया सहनाई, विलियम सोनिया सिवार्डियाना या विलियम सोनिया इंडिका। देखिए विलियम सोनिया क्या है, ये एक एक्सटिंक्ट जीनस है जो खत्म हो चुका है, अब नहीं है। ये किससे किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, बेनेटिटेज से बिलोंग करता है, जिसके सारे मेंबर जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो बेनेटिटेज आ जाता तो आप पहले ही समझ लीजिए इसके मेंबर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और विलियम सोनिया जो है ये एक्सटिंक्ट जीनस है। अब देखिए प्रोफेसर बीरबल जो साहनी थे, ठीक, इन्होंने 1932 में विलियम सोनिया सिवार्डियाना जो है बिहार के, बिहार में एक जगह है राजमहल हिल्स इंडिया के ही एक, वहां से इन्होंने इसका रिकंस्ट्रक्शन किया था, डिस्कवरी और रिकंस्ट्रक्शन इन्होंने किया था विलियम सोनिया सिवार्डियाना का। अब जो बाकी है स्कॉटाई, सहनिया, इंडिका, इसमें अलग अलग साइंटिस्ट आपके इन्वॉल्व हैं। अब जो सिवार्ड थे प्रोफेसर एसी सिवार्ड, ठीक है, आप देखिए प्रोफेसर एसी सिवार्ड के नाम पे बीरबल सहनी ने इसका नाम सिवार्डियाना रखा होगा। अब जो प्रोफेसर एसी सिवार्ड थे ये वेल नोन, ये भी पेलियोबॉटनिस्ट थे, इन्होंने विलियम सोनिया स्कॉटाई जो है ये डिस्क्राइब किया था। अगर गुप्ता की बात कर ले, गुप्ता आए थे आपके 1943 में, इन्होंने विलियम सोनिया सहनाई जो है वो किया था डिस्कवरी राजमहल हिल्स से, और उन्होंने बीरबल सहनी के क्रेडिट आप कह लीजिए या आप कहते हैं ना वो देना क्या बोलते हैं, हिंदी ना तो इंग्लिश दोनों चीजें मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक, किसी को क्रेडिट देना, तो उन्हीं के नाम पे सहनी जी के नाम पे इन्होंने सहनाई रखा था। अगर इंडिया की बात कर, इंडिका जो स्पीसीज है विलियम सोनिया का, तो ये जो था ये फीस्ट मेंटल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ विलियम सोनिया सिवार्डियाना वॉज मेड बाय, तो ऊपर वाला ही आंसर यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन वही फिट बैठता है, किसने किया था, बीरबल सहनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, फ्रॉम बेस टू टॉप, नीचे से लेके ऊपर अगर सीरीज आप काटते हैं टीएस, पेंटोजाइलॉन जो एक फॉसिल प्लांट है उसका स्टेम का आप टीएस काटते हैं, तो कह रहा है कितने नंबर ऑफ जाइलम आपको मिलेंगे टॉप पे। ये आप कहीं भी इसका काटते थे जब पेंटोजाइलॉन के स्टेम के बारे में आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 5 जाइलम का आपको ग्रुप मिलता है, तो आंसर क्या होगा, 5। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, तो पेंटाजाइलॉन किसने डिस्कवर किया, पहली बात तो बीरबल सहनी क्वेश्चन में दिया है, बीरबल सहनी ने डिस्कवर किया था, ये पूछा है कहां से। तो अब जैसे कि विलियम सोनिया था राजमहल हिल से, वैसे पेंटाजाइलॉन जो था ये भी, इसके भी डिस्कवरी जो है राजमहल हिल से ही हुई थी, ठीक, ओके। द नेक्स्ट वन इज पेंटाजाइलॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय बीरबल सहनी फ्रॉम, तो करेक्ट आंसर राजमहल हिल्स ही है, वहीं से ये भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, द सीड बियरिंग ऑर्गन ऑफ पेंटाजाइलॉन इज, देखिए पेंटाजाइलॉन भी एक फॉसिल है, उसके अलग अलग जो पार्ट थे उसका अलग अलग नाम रखा है, जैसे पेंटाजाइलॉन तो ये हम स्टेम की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें निपानियोफिलम की तो ये पेंटाजाइलॉन का लीफ, मतलब समझ लीजिए लीफ है उसका नाम, क्योंकि फॉसिल में आपको पता है फॉर्म जीनस होते हैं, तो यहाँ पे निपानियोफिलम जो है ये लीफ को बोलते हैं, सहनिया बोलते हैं मेल फ्लावर, सहनिया निपानियंसिस और कार्नोकोनाइट्स बोलते हैं फीमेल कोन को। तो जो सीड बियरिंग ऑर्गन होगा वो क्या होगा इनमें से, कार्नोकोनाइट्स होगा, ठीक है, फीमेल कोन। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, पेंटाजाइलॉन अकर्ड इन इंडिया इन विच पीरियड, पेंटाजाइलॉन कब डिस्कवरी हुई थी, तो ये भी बताया जाएगा कि ये किस पीरियड में था इंडिया में, परमियन, जुरासिक, टर्शियरी या क्वार्टरनरी। तो आप देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है, जुरासिक, जुरासिक में वो हुआ था, ये जुरासिक पीरियड में, जुरासिक पीरियड किस में आता है,
मीजोजोइक एरा में आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं जो लास्ट है इसका, इसके बाद पार्ट 3 के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 26, पेंटाजाइलॉन इज डिस्कवर्ड फ्रॉम, तो फिर से वही है राजमहलिस। इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे आपको ये 3-4 बार यहाँ पे मिला। ओके, तो ये दूसरा पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3, जहां पे क्वेश्चन नंबर हम 27 से जो है उसका आंसर एक्सप्लेनेशन देंगे। होप कि आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रहे होंगे, अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक करके बता भी दीजिए करिए। ठीक है, तो चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर हमारे साथ जुड़ने के लिए, लगातार रहने के लिए भी थैंक यू। बाय बाय।